बोकारो दिनभर में आज LIC एजेंट क्यों उतरे सड़क पर बताएंगे, जल संरक्षण को लेकर क्या कदम उठाए गए इसकी भी बात करेंगे, बोकारो जिला युवा कांग्रेस ने क्यों निकाली साइकिल रैली जानेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोकारो दिन भर में अजय राज। आगे बढ़ने से पहले शहीद दिवस पर भारत के वीर सपूतों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को द टाइम्स मीडिया की तरफ से नमन। पिछले 24 घंटों में जिले में बहुत कुछ हुआ, हर बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे विस्तार से। जहां तक अन्य खबरों की बात, पोषण पखवाड़ा के तहत क्या पहल की गई यह भी बताएंगे, जिले के मौसम का भी हाल जानेंगे, कोरोना की भी बात होगी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। लोन मोरेटोरियम मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने लोन मोरेटोरियम पॉलिसी में दखल से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजकोषीय नीतियों का मामला केंद्र सरकार और RBI के अधिकार क्षेत्र में है, अदालत इस मुद्दे पर न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकती। अमेरिका के कोलोराडो के सुपरमार्केट में गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी समेत 10 की मौत, संदिग्ध हिरासत में। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि 1 अप्रैल से 45 वर्ष से अधिक आयु का प्रत्येक नागरिक कोरोना वैक्सीन लगवा सकेगा। भारत में 24 घंटे में कोरोना के 40,715 नए मामले, 199 की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 24,645 नए मामले, 58 की मौत। सप्ताह के दूसरे दिन सेंसेक्स 280 अंक और निफ्टी 78 अंक बढ़कर बंद हुआ। सोने की कीमत 800 रुपए प्रति 10 ग्राम गिरी तो वहीं चांदी का दाम 600 रुपए प्रति किलोग्राम गिरा। अब एक नज़र आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। झारखंड संशोधन विधेयक 2021 सोमवार को हुआ पारित, सार्वजनिक जगहों पर तंबाकू सेवन करने पर होगी कार्यवाही। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन मंत्री की घोषणा, झारखंड के सभी +2 स्कूलों में स्थानीय भाषा की होगी पढ़ाई। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 110 नए मामले, वहीं 1 की मौत। तो यह थी देश दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। आज LIC एजेंट ने सेक्टर 4 LIC ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन किया। आज हम सभी अभिकर्ता रेस्ट डे मना रहे हैं, क्योंकि हम लोग का मैनेजमेंट का जो रवैया जो है हम लोग के प्रति बहुत ही खराब होते जा रहा है। आप अभी भारत सरकार द्वारा 49% FDI लाया गया था, जबकि कुछ लोग काम नहीं कर रहे थे, अब सरकार उसको 74% ला रहा है, जिसका हम लोग घोर विरोध करते हैं। भारत सरकार से हम लोग का मांग ये है, एक साधारण ठेकेदार में काम करने वाला 6 महीना व्यक्ति काम करता है उसको PF मिलता है, करता है। आज 50 साल से एजेंट काम करता भी करता है, उनको कोई PF नहीं है, कोई ग्रेचुटी नहीं है, मिलता है बहुत कम। और हम लोग दिन रात जाड़ा हो या गर्मी हो, बरसात में रात दिन मर धस के काम करते हैं। आज LIC को 5 करोड़ से बढ़ा के आज 36 लाख करोड़ रुपया पहुँचाया, के पढ़ाई पहुँचाया एजेंट अभी करता, और रात दिन अपना मेहनत करके अपना खून पसीना लगा के इतना करता। आज LIC के एजेंट कुछ नहीं है, आज मर गया एजेंट, दूसरों कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए LIC के अभिकर्ता पर ध्यान दें और उनको जो जो मांग है पूरा करें। ग्रेचुटी हम लोग बहुत कम है, उसको बढ़ाया जाए। मेडिक्लेम हम लोग सारा परिवार को दिया जाए, वो हमको बढ़ाया जाए। और उसके बाद PF हम लोग को नहीं करता है। आज अगर कोई एजेंट आ कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, गोड़ हाथ कट गया, क्या उसको मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। आज PF जो सदान 1 साल काम करता है ठेकेदार, उनको PF मिलता है, उनको पैसा मिलता है, हमारे यहाँ क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। और जो जो डिमांड है गवर्नमेंट जैसे हम लोग को काटते जा रहा है, हमको घटाते जा रहा है, हमको और बढ़ाना चाहिए। हम लोग को जो काम करते हैं, जिस तरह से मेहनत करते हैं, उस तरह से मेहनत आ रहा हम लोग को नहीं मिल रहा है। इसलिए LIC से हम मांग है कि जो जो सुविधा अभिकर्ता को हो वो पूरा किया जाए। यदि सरकार नहीं मानेगी तो हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे, 9 BOC करेंगे, भूख हड़ताल में बैठेंगे और पूरा देश को मतलब जो है दिखाएंगे कि हम लोग एकता क्या है। विश्व जल दिवस पर सोमवार को जिले के सभी 9 प्रखंडों चास, चंदन क्यारी, बैरमो, जरीडी, चंद्रपुरा, नावाडी, गोमिया, पेटरवार और कस्मार में जल सहैया सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जल का महत्व, जल संग्रह, पेयजल का प्रबंधन, FSTC की प्रगति जैसे कई विषयों पर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में अलग अलग प्रखंडों से कुल 575 जल सहैया और 45 स्वच्छ भारत मिशन की टीम पेयजल और स्वच्छता विभाग के अभियंता ने हिस्सा लिया। वहीं प्रभात फेरी का भी आयोजन किया गया, जहां आम लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक भी किया गया। कोऑपरेटिव कॉलोनी के एक निजी अस्पताल आशादीप मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को COVID-19 वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। आज हमारे संवाददाता ने इस अस्पताल का दौरा कर वहां की तैयारियों को जाना और टीका लगवाने आए लोगों से बातचीत की।
शहर में होली का भी उत्साह है और यहाँ के वरिष्ठ नागरिकों को वैक्सीन लेने का भी उत्साह है। मैं अभी आया हूँ आशा दीप हॉस्पिटल्स कोऑपरेटिव कॉलोनी में, यहाँ पर वैक्सीन का दौर शुरू हो चुका है और यहाँ पर जो भी सीनियर सिटीजन हैं लोग बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। हमारे साथ हैं एक सीनियर सिटीजन, हम जानने की कोशिश करेंगे कितना इंटरेस्ट था इनको वैक्सीन लेने का। उपेंद्र जी, वैक्सीन जब प्रधानमंत्री ने कहा कि सीनियर सिटीजन को लेने का, तो कितना उत्साह था? खूब खुश हुए कि जल्दी, जिससे जल्दी मिल सके, जितना जल्दी मिल सके हम लोग को वैक्सीन, और हमारे प्रधानमंत्री जो बहुत बहुत उनको धन्यवाद। जब आप ले रहे थे तो कोई मन में ऐसा भय? कोई भय नहीं, किसी तरह का डर भय नहीं, और खूब अच्छा से इंजेक्शन मिला, एकदम किसी तरह का डर भय नहीं। अच्छा ये बताइए कि आप वैक्सीन आज ले चुकी हैं, जो लोग नहीं लिए हैं बहुत सा मन में डाउट है, उनको क्या कहेंगे? नहीं, लेना ज़रूरी है, ये अपने सेफ के लिए है। तो अब बात आएगी यहाँ के जो टेक्नीशियंस हैं जो वैक्सीन को दे रहे हैं उनसे बात करेंगे। तो हमारे साथ हैं आशादीप हॉस्पिटल्स के एक सीनियर टेक्नीशियंस। आज जब वैक्सीन सेंटर शुरू हुआ तो कितना उत्साह था इन लोगों? बहुत सारे जी। यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति अगर इंक्वायरी करना चाहेंगे तो क्या नंबर है यहाँ? जी 9386936795, इस नंबर पे लोग फोन कर सकते हैं। फोन करके पता लगाएंगे कि वैक्सीन कब से लग रहा है। जी, क्या लोकेशन है, कैसे पहुँचे? आशादीप हॉस्पिटल प्लॉट नंबर 138 नियर कुमार पेट्रोल पंप। और हमारे साथ एक सीनियर सिस्टर भी है। सिस्टर ये बताइए कि जब कोई यहाँ पर आ रहा है सीनियर सिटीजन तो आप क्या क्या देख रही हैं? सर उसके मास्क देख रहे हैं, मास्क लगाएं कि नहीं, सैनिटाइजर भी दे रहे हैं, और 20 मिनट वैक्सीन देने के बाद 20 मिनट रेस्ट करने बोल रहे हैं। कोई कंप्लेन किसी पेशेंट का? नहीं सर, आज तक तो कोई कंप्लेन नहीं हुआ है, फिलहाल तो नहीं है कोई कंप्लेन। तो मैं आपको बताऊं कि आशादीप हॉस्पिटल्स में भी ये सेंटर बन चुका है जो कोऑपरेटिव कॉलोनी में है। अगर आप इनके आसपास हैं तो ज़रूर वैक्सीन लगाएं, क्योंकि जिला प्रशासन का टारगेट है कि हम यहाँ के वरिष्ठ नागरिक को कम से कम 2 लाख लोगों को वैक्सीन जरूर दें। शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की शहादत दिवस पर विस्थापित संघर्ष मोर्चा झारखंड निर्माण सेना संगठन के सदस्यों ने टाँड बालीडी भगत सिंह चौक से लेकर सेक्टर 9 बसंती मोड़ तक रैली निकाली। हर के हाथ में काम होने के लिए, हर के ज़मीन के टुकड़े को हिफाजत करने के लिए यह उनकी सपना थी कि भारत एक दुनिया का, विश्व का पैमाने पर भारत एक चमकता हुआ सितारा हो, भारत पथ प्रदर्शक हो। भगत सिंह के जो सपना था उस सपने के विपरीत ये काम कर रहे हैं, इसके खिलाफ में हम लोग संकल्प लेने के लिए आए। हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि मारा ये बोकारो स्टील का नाम हटाओ, ये कारखाना का नाम, कारखाना का शुरुआत माराफरी से हुआ, ये बोकारो नाम, बोकारो शब्द हटाओ और वो उसके जगह पर माराफरी का नाम दो, ये हम लोग मांग करने के लिए आंदोलन भी कर रहे हैं, आज संकल्प ले रहे हैं। ये हमारी रैली आज टाँड बालीडी भगत सिंह चौक, जहाँ आप टोल प्लाजा देखे होंगे, वह टोल प्लाजा से चला रेलवे कॉलोनी के अंदर, भगत वो सामने में भगत सिंह का प्रतिमा है, वहाँ भी माल्यार्पण किया। हम लोग यहाँ मुख्य कार्यक्रम प्रत्येक साल करते हैं, वो हम लोग करने के लिए यहाँ आए हैं। इसी बीच अब जान लेते हैं कोरोना अपडेट। बोकारो में पिछले 24 घंटे में 2 नए मामले सामने आए, वहीं 3 लोग ठीक होकर घर लौटे, जबकि 1146 सैंपल जांच के लिए जमा किए गए। साथ ही दूसरी तरफ जिले में रविवार को कुल 1528 लोगों को कोविड-19 टीका लगाया गया। पेट्रोल, डीजल, गैस और बढ़ रही महंगाई के विरोध में बोकारो जिला युवा कांग्रेस ने सोमवार को साइकिल रैली निकाली। यह रैली नया मोड़ के बिरसा चौक से सेक्टर 4 के महात्मा गांधी चौक तक निकाली गई। आपका जीवन सुखी हो, आपके जीवन में जो कष्ट है वो दूर हो, और आप जो आज डीजल और पेट्रोल की मार खेल रहे हैं उस मार से आप मुक्त हो सकें, इसलिए हम ये साइकिल रैली निकाल रहे हैं।
झारखंड बेस्ट आर्टिस्ट डांस चैंपियनशिप का सेमीफाइनल राउंड रामगढ़ के श्री गुरु नानक पब्लिक स्कूल के ऑडिटोरियम में अमरनाथ सिंह और अरविंद कुमार के द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें झारखंड के साथ साथ अलग अलग राज्यों के डांसर्स ने अपना दमखम दिखाया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने किया। इस चैंपियनशिप का फिनाले 4 अप्रैल को होने वाला है, जिसके लिए वाइल्ड कार्ड एंट्री शुरू हो गई है और डांसर्स 28 मार्च तक वाइल्ड कार्ड एंट्री में रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। अलग अलग घटनाओं और आपदा से निपटने के लिए एनडीआरएफ द्वारा सोमवार को गोताखोरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशिक्षण 9 बटालियन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल द्वारा दिया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत 22 मार्च से शुरू हुई है और यह 26 मार्च तक चलाई जाएगी। प्रशिक्षण में एनडीआरएफ के टीम लीडर ने गोताखोरों को आपदा की स्थिति में खुद को बचाते हुए दूसरे को बचाने की बारीकियों को बताया, साथ ही आपदा के समय लोगों को प्राथमिक उपचार और संक्रामक रोगों से बचने की भी अहम जानकारी दी गई। साथ ही सांप जैसे जहरीले जानवरों से बचाव के तरीके के बारे में भी बताया गया। पोषण पखवाड़ा के तहत जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में सोमवार को ग्राम स्वास्थ्य और पोषण दिवस मनाया गया, जिसमें गर्भवती महिलाओं को बच्चे के जन्म की तैयारी सहित अपनी देखभाल करने की जानकारी दी गई। साथ ही गर्भवती महिलाओं की गोद भराई और 6 माह के बच्चों की अन्नप्राशन रस्म किया गया। सरकार द्वारा चलाए जा रहे पोषण पखवाड़ा के तहत सोमवार को जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया, जहां पोषण संबंधित बातों को बताया गया, जिसके साथ ही हरी सब्जियों से रंगोली के माध्यम से महिलाओं और बच्चों को नियमित पौष्टिक आहार का सेवन करने के लिए जागरूक किया गया। कोविड-19 पर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से BSL व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र में सोमवार को कोरोना अभिज्ञान नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कर्मियों को कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए मास्क का उपयोग करने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और भी कई जानकारियां दी गई। वहीं BSL में 16 मार्च से चलाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम की कड़ी में सोमवार को सुबह प्लांट के SMS-New, SMS-2, CCS में स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस सफाई अभियान में SMS-New की टीम के साथ IMF के कर्मी और SMS-2 CCS टीम के साथ DNW के अधिकारी और कर्मी भी शामिल हुए, जहां स्वच्छता अभियान के तहत कर्मियों को स्वच्छता शपथ दिलाई गई और डिपार्टमेंट कैंपस में साफ सफाई की गई। द टाइम्स मीडिया एक कैंपेन चला रहा है, इफेक्टिव एजुकेशन बोकारो है बेहतर। इसमें बच्चों से, अभिभावकों से, शिक्षकों से, शिक्षा से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से जुड़े तमाम लोगों से चर्चाएं होती है, जिक्र होता है, बातचीत होती है, डिस्कशन होता है, ताकि बोकारो जो बेहतर शिक्षा के लिए जाना जाता है फिर से अपना वह मुकाम हासिल कर सके और आगे बढ़ सके। बेहतर शिक्षा का एक भाग अलग अलग एग्जाम में लिए जाने वाला इंटरव्यू भी है। अगर आप भी इंटरव्यू में अपना बेस्ट देना चाहते हैं तो आप द टाइम्स मीडिया के डिवीज़न बोकारो टाइम्स का प्रोग्राम मोबाइल से दूरी कितनी है ज़रूरी, इफेक्टिव एजुकेशन पार्ट 15, एजुकेशन इन बोकारो देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। मोबाइल आज हमारा एक मित्र बन चुका है, योगदान इस कोरोना काल में सबसे ज़्यादा रहा। स्पेशली छोटे बच्चों को ये समझाना दिक्कत हो जाएगी कि उस वक्त पेरेंट्स के समक्ष ये प्रॉब्लम रहेगा, जिसमें उनका और मैनेजमेंट के बीच में एक संघर्ष का एक कारण भी बन सकता है। और उसका दो पहलू होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, और उस जरूरत के अनुसार हमें अपना जो जीवन शैली को बदलना है। ये ऑनलाइन हमेशा के लिए अपनी बंद नहीं हो। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। बोकारो समेत राज्य के सभी जिलों में गर्मी में बेतहाशा बढ़ोतरी देखी जा रही है। आज भी दिन भर कड़ी धूप निकली रही, जिससे लोगों का घर से निकलना हुआ मुश्किल। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक आंशिक रूप से बादल छाए रहने के आसार हैं। आज का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302।
इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे बोकारो दिनभर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।